स्वागत है आप सबका फरहान ट्यूटोरियल्स के साइंस 2 के प्री बोर्ड प्रिपरेशंस के सीरीज़ में। आज हम लोग साइंस 2 की बात करेंगे जिसका पेपर 18 मार्च को है। जैसे सबसे पहला चैप्टर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले देखिए, दैट इज दिस इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। सो इसको आप लोग पहले नंबर पर रखें। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आप लोग रिवाइज करें, दैट इज़ दिस सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो तीसरा चैप्टर आप रिवाइज करें, ये एनिमल क्लासिफिकेशन। और फिर बाद में जो आपको और जो चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, दैट इज हेरिडिटी, लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 और लाइफ प्रोसेस पार्ट 2। सो पूरे के पूरे टेक्स्ट बुक्स में आपके इतने, ये जितने चैप्टर्स मैंने बोला, ये सारे चैप्टर्स आपके इम्पॉर्टेंट है और बहुत नेसेसरी है। मतलब आपके टेक्स्ट बुक्स में ये 6 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब इन चैप्टर्स में से एक एक करके देखते हैं कि आपको इन चैप्टर्स पर ज़्यादा, इन चैप्टर्स में से किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले जिसे स्टार्ट करें, दैट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस लेसन को शुरुआत करने के बाद आप लोग, या शुरुआत करने से पहले आपको याद रखना है कि ये पूरा लेसन एग्जाम्पल से भरा हुआ है। सो ये लेसन में आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि इस लेसन के अंदर आने वाले जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए, और वो किस बेस्ड पे एग्जाम्पल। तो इस लेसन को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक टेबल की तरह बना लें। तो जैसे कि इस लेसन का पहला पेज है, तो सबसे पहला तो जैसे दिख रहा है कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, इसके जस्ट डेफिनेशन आप लोग देख लें। इसके बाद यहाँ पे इस लेसन में हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डेयरी प्रोडक्ट। तो अभी इतना जो है दैट इज नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि डेयरी प्रोडक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल है, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है, दैट इज चीज़, बटर, क्रीम, कैफिर, योगर्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिख रहा है, डायसिटाइल एज अ फ्लेवर ऑफ बटर। यहाँ पे योगर्ट प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि योगर्ट बनाने का तरीका, जो कि इस पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि योगर्ट कैसे बनाया जाता है ये। और फिर उसके बाद उसके क्या क्या उसके लिए या उसको बनाने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रपोर्शन पे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ प्रोडक्शन में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे कौन से बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जा रहा है या कौन से टाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे आपको 3 बैक्टीरियाज के नाम दिख रहे हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोलिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। आपको अगर ये बैक्टीरियाज के नाम, यानी इन बैक्टीरियाज के नाम याद है, तो आप ये पूरा का पूरा आंसर आराम से खुद से लिख सकते हो। तो ये लेसन बेस्ड है आपके how much example you remember, कि आपको उस पर्टिकुलर लेसन के एग्जाम्पल्स कितने याद हैं। सो वैसे प्रोबायोटिक्स ले लो, तो कौन कौन से हम प्रोबायोटिक्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज जस्ट लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम। फिर उसके बाद ब्रेड के लिए कौन कौन से बैक्टीरियाज इस्तेमाल होते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। उसके बाद विनीगर प्रोडक्शन के लिए पहले तरीका क्या है कि विनीगर बनाया कैसे जाता है, और उसके बाद फिर कौन से बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी है कि हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड या कौन से बैक्टीरिया इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस लेसन में 3 टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये जिसको आप लोगों को कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पहला टेबल। दूसरा उसके बाद उसी के अगले पेज में ये वाला टेबल, येलो वाला, और उसके अगले पेज में ये वाला टेबल। सो ये 3 टेबल आपको ये 2 पेज में बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग आए तो ये सारे एंटीबायोटिक्स के नाम, कि हम कौन कौन से एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक पेनिसिलिन, मोनोबैक्टम, बैसिलोबैक्टर, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा है, अगर बायोफ्यूल्स ये सब की बात करें तो ये आप जस्ट एक बार रीड करें, कॉन्सेप्ट समझ लें, और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखना है या कैसे लिखना है। नेक्स्ट
उसके बाद फिर यहाँ पे क्लीन टेक्नोलॉजी में आता है, तो यहाँ पे भी कुछ आपको एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए क्या क्या बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है कि उनको क्लीन करने के लिए। उसके बाद पीईटी, अगर पीईटी को डिकम्पोज करना है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, कुछ फंगाइज जो हम लोग जिसको यूज कर सकते हैं रबर को डिकम्पोज करने के लिए, वो यहाँ पे है। सो जैसे कि देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा लेसन इज बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स। तो ये लेसन को अगर आप लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहला लेसन यही उठाना है और इसके अंदर आने वाले सारे एग्जाम्पल्स को याद करने हैं, और जो 3 टेबल्स मैंने बोला वो 3 टेबल एकदम पक्के करने। इस तरीके से आपका 7वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा लेसन यानी सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। अगर इस लेसन को अगर आप ध्यान दें तो इट इज बेसिकली ये आपके 7वें लेसन के तौर पे ही है या उसी तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो साइकोलॉजी है इसका डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे साइकोलॉजी का डेफिनेशन है। देन स्टेम सेल से रिलेटेड आपको अगर देखना है तो स्टेम सेल्स का एक डेफिनेशन, जस्ट एक सिंगल लाइन डेफिनेशन देख ले कि स्टेम सेल का मतलब क्या होता है, और बाकी ये सारा थेरी है। थेरी एक बार बस रीड कर लेना। उसके बाद सीधा स्टेम सेल से रिलेटेड यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि स्टेम सेल के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एक होता है एडल्ट स्टेम सेल। तो ये दो कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते क्या है, एडल्ट स्टेम सेल होते क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एडल्ट स्टेम सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ स्टेम सेल के ऊपर आपके लिए, आपको अगर से उनके हेड टॉपिक यानी रीजनरेटिव थेरेपी, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये पता है और उसके अंदर का आपने कॉन्सेप्ट बस एक बार रीड कर लिया, तो दैट इज इनफ। एक याद रखना कि आप जब पढ़ रहे हो तो जितने सारे डायग्राम्स आ रहे हो सारे डायग्राम्स को बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये डायग्राम की लेबलिंग देख लेना इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और यहाँ पे ये लेबलिंग की जगह पे आपको ए बी सी ऐसा कुछ दे दिया जाएगा, और आपको फाइंड आउट करना है कि उस लेबलिंग में होना क्या चाहिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टॉपिक को जस्ट एक बार रीड करना जरूरी है, मतलब यहाँ पे कुछ याद करने जैसा है नहीं। देन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का एक सिंगल लाइन डेफिनेशन आपके लिए इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट ये बायोटेक्नोलॉजी के ये 5 पॉइंट्स की बायोटेक्नोलॉजी किन मेन एरियाज में यूज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप याद रखें। उसके बाद फिर सीधा जैसा आपका 7वां लेसन था वैसे है ये कि यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक है बीटी कॉटन होता क्या है, बीटी ब्रिंजल होता क्या है। बेसिकली आपके इनको हेड टॉपिक याद रखने हैं, और बीटी ब्रिंजल बनाया है, जैसे बीटी कॉटन हो गया या बीटी ब्रिंजल हुआ, तो बेसिकली ये कहाँ से आते हैं या बैसिलस थुरिंजिनेसिस, तो ये टर्म तो आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स की बात है तो ये सारे जो नाम है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, और प्लांट के अंदर एजोला, तो यहाँ पे ये याद रखना है आपको। एनिमल हस्बेंड्री में कुछ इम्पोर्टेंट इतना याद करने जैसा नहीं है। ह्यूमन हेल्थ में वैक्सीन का डेफिनेशन, सिंगल लाइन डेफिनेशन के वैक्सीन होता क्या है, जो शायद से ये पहला एक लाइन में ही पता चल जाता है कि वैक्सीन क्या होता है। एडिबल वैक्सीन का भी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन बस है, इनफ है। और उसके बाद इंटरफेरॉन क्या होता है, ये भी एक सिंगल लाइन डेफिनेशन आप लोग याद रखें। उसके बाद क्लोनिंग, क्लोनिंग के बारे में यही याद रखना है कि दो टाइप की क्लोनिंग होती है, थेरापेटिक क्लोनिंग और दूसरा होता है दैट इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो थेरापेटिक क्लोनिंग में होता क्या है और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में होता क्या है। नेक्स्ट अगर आगे जाए तो ये यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आ जाता है, बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन का इतना टॉपिक पेज नंबर 96, ये इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है कि आप याद रखें कि बायो रिमेडिएशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। उसके बाद अगर आपने 7वां लेसन बहुत अच्छा किया है तो यहाँ पे बहुत सारा 7वां लेसन का रिपीटेशन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, दिस इज कम्प्लीटली
थेरेटिकल, तो थियरी है, कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप खुद से लिख सकते हो, इतना स्ट्रेस देने का उधर पे जरूरत नहीं है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड्स, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं और उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं पॉसिबल, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, दैट इज इनफ, और बस इसी तरीके से आपका 8वां लेसन हो जाता है। तो अगर 8वें लेसन के बारे में आप मुझसे बात करें, तो इफ आपने 7वां लेसन बहुत अच्छे से किया है, तो आपका 8वां लेसन का 50% ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट लेसन, यानी एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, तो लाइक आपको वैसे आपको पता होगा कि बेसिकली एनिमल क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, जो इस अकेले डायग्राम में एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपको 10 इम्पोर्टेंट फाइलम डिस्कस करना है, ठीक है। और जिसमें से 11वां फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा, तो टोटल 11 फाइलम आपको याद रखना है। तो ये तो इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट इज ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और तो यहाँ पे ऐसा होगा कि आपको क्राइटेरिया याद रखने और इसके अंदर आने वाले एग्जाम, जैसे सेलुलर ग्रेड का फाइलम पॉरीफेरा, उसके बाद सेल टिश्यू ग्रेड का एनिमल फ्रॉम फाइलम नीडेरिया। तो अगर आपको फाइलम अच्छे से याद है तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद होगा। तो बॉडी सिमेट्री क्या होता है, उसके कितने टाइप्स है, सिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री। जर्म लेयर दो टाइप के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। बॉडी कैविटी के मामले में तीन चीज़ होती है, दैट इज सिलोमेट, असिलोमेट और यू सिलोमेट, सॉरी यू सिलोमेट, स्यूडो सिलोमेट और असिलोमेट। तो बेसिकली उतना ना पड़े और ये सिर्फ डायग्राम आपको अकेला याद है तो इट इज़ इनफ। तो इस लेसन के अंदर सबसे शुरुआत में आपको ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, पेज नंबर 66 में ये डायग्राम अगर आपने कर लिया तो दो तीन पेज का आपको जो पढ़ना है वो सब एक ही डायग्राम के अंदर हो जाए। उसके बाद वो 11 फाइलम, यहाँ पे याद रखना हर फाइलम से रिलेटेड आपको रीड सारा चीज करना है, बट हर फाइलम से रिलेटेड एटलीस्ट 3 पॉइंट आपको बाय हार्ट याद रहने चाहिए कि हर फाइलम के कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक है। तो जैसे फाइलम पॉलीफेरा ले लो, तो पहला दूसरा तीसरा ये आपको याद है, दैट इज इनफ। बाकी आप एक बार रीड कर ले तो भी चलेगा, पर हाँ एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। सो फाइलम पॉलीफेरा के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके 3 पॉइंट्स हो गए और उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जाम्पल देखते वक्त आपको डायग्राम याद रखने हैं। ऐसा हो सकता है कभी कि आपको डायग्राम दे दे और उसके बेस पे आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछे, तो आपको डायग्राम से पता करना है कि फाइलम कौन सा, और फाइलम से पता करना है कि कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखने हैं। फाइलम प्लैटिहेलमिंथेस, वही 3 कैरेक्टरिस्टिक, उसके एग्जाम्पल। एस्केलमिंथेस सेम, एनालिडा 3 कैरेक्टरिस्टिक, उसके एग्जाम्पल्स। 3 कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा के, उसके एग्जाम्पल्स। आर्थ्रोपोडा आपको जैसे पता है कि क्वाइट इम्पोर्टेंट फाइलम, बाकी सारे फाइलम में से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोलस्क का, इसके भी कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जाम्पल याद रखें। एक्टिनोडर्मेटा के 3 कैरेक्टरिस्टिक, उसके एग्जाम्पल्स। वैसे ही सारे जब आप फाइलम कॉर्डेटा पे आते हो, तो फाइलम कॉर्डेटा पे जैसे मालूम है आपको कि 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट। यूरोकॉर्डेटा के भी कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक, सेफेलोकॉर्डेटा के कोई 3। यूरोकॉर्डेटा के आप डायग्राम्स देख ले, सेफेलोकॉर्डेटा के डायग्राम देख ले। वर्टिब्रेटा के अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक याद, मुझे नहीं लगता कि करना पड़ेगा बिकॉज आपको पता होगा। उसके बाद क्लास, तो जब क्लास पे आते हैं तो हर क्लास के एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक याद रखें और एग्जाम्पल। तो साइक्लोस्टोमेटा के 2 एग्जाम्पल, पाइसेस के 2 एग्जाम्पल, एम्फीबिया के 2 कैरेक्टरिस्टिक और 2 एग्जाम्पल, रेप्टिलिया के 2 कैरेक्टरिस्टिक 2 एग्जाम्पल, एव्स के 2 कैरेक्टरिस्टिक 2 एग्जाम्पल, ममेलिया, इसी तरीके से आगे है। सो एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए अगर आप पूछें मेरे से क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला कि ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम इज इम्पॉर्टेंट, सॉरी ये डायग्राम आपका इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम एकदम अच्छे से करें। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है ये है, जिसमें हमने अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड किया है। ये डायग्राम, ये 2 डायग्राम इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद हर फाइलम के एटलीस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल। तो एनिमल किंगडम के लिए आपके लिए 2 डायग्राम और हर फाइलम के 3 कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल्स नेसेसरी। नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन,
इस चैप्टर को आप मतलब अगर अकॉर्डिंग टू मैंने जिस हिसाब से बोला रिवीजन के, तो आप फोर्थ नंबर पे ये चैप्टर लेंगे, चौथे नंबर पे आफ्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे से करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो कुछ पेज नंबर 2 तक है। उसके बाद का जो टॉपिक है यानी इवोल्यूशन, यहाँ पे ऐसा है कि आपको रीड करने जैसा है, लाइक आपको एकदम अच्छे से याद करना या एकदम रट्टा मारना जरूरी नहीं है। ऑब्वियसली इवोल्यूशन के मामले में एविडेंसेस, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस होते क्या है उनके एग्जांपल्स, एनाटॉमिकल एविडेंसेस होते क्या है उनके एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, जब आप एनाटॉमिकल एविडेंसेस देख रहे हैं तो इस मामले में ये एग्जांपल्स बेसिकली किसके हैं या कौन से, जैसे ह्यूमन हैंड हुआ, तो हो सकता है ये डायग्राम दे दें और फिर नीचे ABCD इस तरीके से हो गए। उसके बाद आपको एनालॉगस ऑर्गन ये सब के बारे में एक छोटा सा जस्ट जनरल वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स जितने भी है, जिसके यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है, उसको याद रखना है। पैलियंटोलॉजिकल एविडेंसेस के भी एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है अबाउट कार्बन 14, C14 और C12, ये देख लेना अच्छे से। एंड कनेक्टिंग लिंक्स, तो क्या क्या कनेक्टिंग लिंक्स के एग्जाम्पल, प्लेटिपस, लंग फिश, पेरीपेटस और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। तो जब आप ये लेसन लेंगे तो सबसे पहले याद रखना कि आपको पहली चीज़ करनी है ये अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। उसके बाद ये जितने भी एविडेंसेज हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, एनाटॉमिकल, वेस्टिजियल, पैलियंटोलॉजिकल, उसके बाद कनेक्टिंग लिंक्स और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, ये सारे एविडेंस होते क्या है और इनके एग्जांपल्स। उसके बाद जो डॉर्विंस थेरी है और लेमार के समय ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, आप इनके कॉन्सेप्ट याद कर ले या कॉन्सेप्ट देख ले, दैट इज इनफ। तो आप अगर पहले लेसन में इम्पोर्टेंट मांगे तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट, और जितने भी एविडेंसेस है वो सारे एविडेंसेस के आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। अच्छा हाँ, और जो इवोल्यूशन आप देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें याद रखो, दैट इज होमो, लाइक इट इज होमो इज अबाउट 20 लाइट ईयर्स एगो, 15 लाइट ईयर्स एगो ह्यूमन ने खड़े होके चलना शुरू किया, ये सारी चीज़ें, एंड लाइक ईयर्स एगो, तो ऐसी सारी चीज़ें आपके MCQs या फिर फिल इन द ब्लैंक्स इसमें ज़्यादातर आ जाएंगे। नेक्स्ट लेसन जो आप देखोगे दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में आप जानते हो कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ प्रोसेस के साथ साथ कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के लाइफ प्रोसेस भी डिस्कस किए हैं। लाइक इसी लाइफ प्रोसेस पर यानी पार्ट 1 के अंदर आप देखें तो 2 लाइफ प्रोसेस है, पहला है रेस्पिरेशन और दूसरा सेल डिवीजन। सो यहाँ पे 2 मेजर टॉपिक्स दैट इज रेस्पिरेशन पर डिस्कस करना। अब आपको पता है रेस्पिरेशन 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं, दैट इज एरोबिक और एनएरोबिक। तो सबसे पहले यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। सो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं आप, तो ये पहला ग्लाइकोलाइसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे आप इस लेसन के अंदर एंट्री करते हो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, पढ़ना है कि जैसे ETS के अंदर कितने NADPH2 बनते हैं, कितने FADH2 बन रहे हैं, और नेक्स्ट ATP का स्ट्रक्चर। तो ATP के स्ट्रक्चर के लिए डायग्राम इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला कि जो 6 लेसन मैंने बात किया, उन 6 के 6 लेसन्स के अंदर आने वाले जितने सारे डायग्राम्स हैं, तो चाहे वो ये हो या कोई भी डायग्राम्स हो, और टेबल्स, जितने सारे टेबल्स हैं वो सारे टेबल्स इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे यहाँ पे ATP है या NADH2, FADH2, ये सारी चीज़ें और डायग्राम्स, तो वो 6 लेसन्स के अंदर ये सारे। अब जैसे ये भी हो गया, तो यहाँ पे 2 चार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हो सकता है कि यही चार्ट जैसे टेक्सट बुक के पीछे भी है यही चार्ट,
वो हो सकता है यही चार्ट दे दे एंड ये ब्लॉक दे दे, बट वो लोग ये चीज ना देगा, इक्वलाइजेस यहाँ पे लिखा ना हो, तो आपको याद रहना चाहिए कि ये इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा, तो ये चार्ट्स याद रहने चाहिए। उसके बाद ये ग्रीन वाला जो है दैट इज ग्लूकोज के, अगर इसको एरोबिकली रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चार्ट बता रहा है कि अगर हमारा रॉ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल जो है वो लिपिड है तो किस तरीके से हम एनर्जी बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट है तो कैसे एनर्जी बनाएंगे, प्रोटीन है तो कैसे एनर्जी बनाएंगे, ये दोनों चार्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब तक मैंने क्या बोला कि आपको ये दो तीन चीज़ ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी का स्ट्रक्चर, ये दो चार्ट ये अच्छे से याद रखें। ये वाला जो डायग्राम है ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमीनो एसिड्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हो सकता है यही डायग्राम दे दे, और हो सकता है यही डायग्राम को मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ जाए, लाइक कि कॉलम ए में बोन लिखा हुआ है और कॉलम बी में ये ओसिन जो है ये कहीं और है, तो आपको मैच द पेयर करना है, तो ये डायग्राम उस तरीके से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट कि ये कॉन्सेप्ट चले कि आप याद रखें सिर्फ कि कौन सा फैट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फैटी एसिड से हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स बनते हैं, और 1 ग्राम फैट से हम लोग 9 किलो कैलोरी एनर्जी बना सकते हैं। उसके बाद विटामिन्स, कितने विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्यूबल कितने, फैट सॉल्यूबल कितने, वाटर किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, हमें कॉन्सेप्चुअल है तो याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार रीड करें। दूसरा जो लाइफ प्रोसेस है इस लेसन के अंदर दैट इज सेल डिवीजन। आपको पता है सेल डिवीजन दो टाइप के, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। 10th स्टैंडर्ड के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि माइटोसिस डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मियोसिस डिटेल में इतना एक्सप्लेन नहीं है, तो इसीलिए माइटोसिस यहाँ से शुरू होते ही हर एक फेज यानी प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टीलो फेज, ये सारे के सारे फेजेस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब याद होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि रट्टा मारना है, इसका मतलब ये कि प्रोफेज के अंदर क्या चीज़ शुरू होती है, जैसे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है ठीक है, और मेटाफेज के अंदर कंप्लीट होता है ठीक है, लाइक कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट है कंडेंसेशन, तो ये याद होना चाहिए कहाँ स्टार्ट हो रहा है कहाँ कंप्लीट हो रहा है, और जब आप ये याद कर रहे हो या ये पढ़ रहे हो तो यहाँ पे उसके रिलेटेड डायग्राम्स कि एक मेटाफेज का कौन सा डायग्राम होगा ठीक है, एना फेज का कौन सा डायग्राम होगा, टीलो फेज का कौन सा डायग्राम होगा, फिर साइटोकाइनेसिस का कौन सा डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम जो है दिस इज बेसिकली साइटोकाइनेसिस ठीक है, ये टीलो फेज का डायग्राम है ये वाला, ये एना फेज का डायग्राम है, ये मेटा फेज का, तो हो सकता है कि दे वुड नॉट गिव यू कि लेस टॉपिक दे दे, वो सिर्फ डायग्राम दे और डायग्राम के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है कि किस बारे में एक्सप्लेनेशन। मियोसिस का सिर्फ डायग्राम इम्पोर्टेंट है तो एक बार सिर्फ देख ले कि मियोसिस के अंदर होता क्या है, बट इस लेसन में बेसिकली माइटोसिस और रेस्पिरेशन ये दो चीज़ मेन है और इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से आपका ये लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। जी लाइफ प्रोसेस पार्ट टू जो आपको, जो मैंने 6 चैप्टर आपको बोला उसके अंदर आपको इस चैप्टर को छठे नंबर पे यानी बाद में देखना है, लास्ट में देखना है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन। हाँ ये है कि दो ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक फ्लावर्स के अंदर कैसे होता है और एक ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। सो बेसिकली पहले तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में आप सिर्फ याद रखो कि बाइनरी फ्यूजन है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि क्या है, बट या हर एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक के आपको एग्जाम्पल्स याद रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे बेसिकली 3 एग्जाम्पल है, अमीबा का, पैरामीशियम का और यूग्लीना, तो एग्जाम्पल याद रहना है। मल्टीपल फ्यूजन बेसिक सिर्फ ये याद रखना है कि होता क्या है इसके अंदर, बट इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बडिंग इसका भी एग्जाम्पल, फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल, रीजनरेशन के एग्जाम्पल, तो ये ज़्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखे दैट इज इनफ। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं तो यहाँ पे पहला आता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहाँ पे प्लांट के ऑर्गन्स के नाम याद रखने ज़रूरी है, जैसे दो एसेंशियल होता है दो एक्सेसरी होता है, तो एसेंशियल ऑर्गन के नाम क्या है, तो बेसिकली जब आप डायग्राम करोगे इसका
ये एसेंशियल ऑर्गन्स और एक्सेसरी ऑर्गन्स के नाम याद रहेंगे. सो व्हाट आर एसेंशियल वॉल्स, व्हाट आर एक्सेसरी वॉल्स. उसके बाद जब इतना पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ से फ्लावर यानी पेज नंबर 26 यहाँ से लेके फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यानी अगर आप इस टॉपिक के यानी फ्लावर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स के बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या मैटर इसी के अंदर आ जाता है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम ठीक होना चाहिए. उसके बाद आते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रो के अंदर. ह्यूमन रिप्रो के अंदर बेसिकली दोनों ही यानी मेल रिप्रो का ऑर्गन, उनके ऑर्गन्स के नाम, और फीमेल रिप्रो के ऑर्गन और उनके ऑर्गन्स के नाम. तो ये दो डायग्राम आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ह्यूमन रिप्रो के मेल ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है. तो लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इसका जो डायग्राम है वो अगर आप अच्छे से कर ले तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाता है. तो बेसिकली मैं भी यही बोलूँगा कि हर बार डायग्राम पे ही इम्पोर्टेंट या ध्यान दें, बट ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेक्स्ट IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, ये सब सिर्फ आप एक बार रीड कर ले कि होता क्या है इसके अंदर, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर इस बारे में आ भी गया तो यू कैन एक्सप्लेन इट बाई योर ओन. ट्विंस दो टाइप के होते हैं, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, दैट इज नो. और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनरल है, बस यहाँ पे कौन कौन से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ऑर्गे डिसीजेस के नाम दिए हुए, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारी चीज़ और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं ये. सो ये जब आप चैप्टर करोगे तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली शुरुआत इसे करनी है. लाइक सबसे पहला आपका इसके अंदर यानी थर्ड लाइफ प्रोसेस के अंदर असेक्सुअल रिप्रो, असेक्सुअल रिप्रो के जितने भी हैं उनके एग्जाम्पल्स पहला ये याद रखना है. दूसरा मैंने बोला कि फ्लावर के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन, तो फ्लावर रिप्रो का जो मैंने पैराग्राफ मार्क किया यहाँ से लेके यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसके बाद ह्यूमन रिप्रो का पहला तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. उसके बाद दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से करना है, एंड देन ये सब के जस्ट कॉन्सेप्ट रीड करने हैं, बस दैट इज इनफ फॉर योर 6 लेसन. सो याद रखें कि ये 6 के 6 लेसन आपके एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छे होने चाहिए, बिकॉज आपके मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पे है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका Science 2 का मेजर पार्ट और पोर्शन यही कवर करता है. इनके डायग्राम्स, टेबल्स जैसे मैंने बोला इम्पोर्टेंट है, और वो तीन चीज़ जो मैंने शुरुआत में बोला कि कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, डायग्राम्स अच्छे होने चाहिए, टेबल्स अच्छे होने चाहिए और एग्जाम्पल अच्छे होने चाहिए, बस ये अच्छे हैं. और ये 6 लेसन आपके दिमाग में है, योर पेपर विल गो वेरी इजी.